जब जब होई धर्म के हानि, पाड़ही असुर अगम अभिमानी, करैयनीति जाई नहीं परली, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु दरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। वह गहू वेद पाठी ब्राह्मणों, पृथ्वी और सज्जन लोगों को ऐसे जघन्य कष्ट देते हैं जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब वह ईश्वर कृपा के सागर तरह तरह के शरीर धारण कर इन सब के दुख दूर करते हैं। दादा, भगवान किसे कहते हैं? बेटा, शंकर जी के शब्दों में चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ज्ञान बिनु पास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं पर। भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे काम करते हैं, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के सब देखते हैं, बिना नाक के सभी खुशबू सूंघते हैं। उस भगवान की लीला अलौकिक है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वी पे धर्म की स्थापना मेरा परम दायित्व है। जब जब अधर्म सीमाओं का उल्लंघन कर मेरे द्वारा बनाया मापदंड को तोड़ देता है, मैं अवतार ग्रहण करता हूं। समय के सभी सीमाओं को तोड़ धर्म स्थापना हेतु प्रकट होता हूं। पाप और अधर्म के साम्राज्य को स्थापित करने वालों का नाश करता हूं। Da 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 da
tak din tak tak da tak tak sa tak 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 da tak tak din tak tak da da tak tak da 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 tak da 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 tak da. महाप्रलय से जीवों का करने को उद्धार, मत्स्य रूप में विष्णु जी ने लिया प्रथम अवतार। शेषनाग को डोर बनाया, मनु के जहाज में सबको बिठाया, जीवों को संकट से छुड़ाया, वेदों को असुरों से बचाया। सागर मंथन के लिए देव असुर मिल आए, मंदरा चल गिर से लियो मंथन हेतु सहाय। बृहदगिरी का सिंधु जब सह नहीं पाया भार, तब श्री विष्णु ने लियो कच्छप का अवतार, कच्छप का अवतार। हिरण्याक्ष हर ले गया भूदेवी को पाता, तब वराह अवतार में प्रगटे दीन दयाल। पापी दुष्ट असुर को मारा, फिर विजयी स्वर में हुंकारा, एक दांत से भू को उठा कर ले आए प्रभु पुनः सतह पर, ले आए प्रभु पुनः सतह पर। ज्येष्ठ भ्रात हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यप क्रूर, कर ली प्रभु से शत्रुता होकर मद में चूर। निज सुत भक्त प्रहलाद को देकर कष्ट अपार, बोला रहा है तू निज ईश्वर को तू पुकार। सुन पुकार प्रहलाद की प्रगटे करुणा धार, दुष्ट असुर का वध किया हर नरसिंह अवतार, हर नरसिंह अवतार। त्रिभुवनपति राजा बलि धनपद से मदमाए, तब वामन अवतार धरे प्रभु वहां पर आए। मातृ पग धरती का बलि से मांगा दान, दो पग में भू स्वर्ग लिए टूटा बलि का मान, टूटा बलि का मान। जब क्षत्रिय जन ने दिया क्षत्रिय धर्म विसार, स्वार्थ व शक्ति का दुरुपयोग कई बार, प्रकट हुए तब श्री हरि बनकर परशुराम। कुल सहस्त्र अर्जुन का तुम क्षण में कियो तमाम, क्षण में कियो तमाम। त्रेता युग में राम बन प्रभु धरा पर आए, मन सा वाचा कहे मना धर्म ध्वजा फहराए, धर्म ध्वजा फहराए। रावण का वध कर उसे भेज दिया निज धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए श्री राम, कहलाए श्री राम। द्वापर में श्री कृष्ण बन प्रकटे दीनाना, सोलह कला संपूर्ण छवि चक्र सुदर्शन हार। संतों का रक्षण किया दुष्टों का संहार, देकर गीता ज्ञान
जगत उद्धार, कियो जगत उद्धार। कली काल के अंत में करने जग कल्याण, कल के अवतार में आए भगवान, आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। पाप और अधर्म से मेरे भक्त त्रस्त हो रहे हैं, सदाचार की राह में चलने वालों को अपमान और कष्ट मिल रहा है। कली इस युग का राक्षस जो इतना बलशाली है कि पूरा युग कली युग इसके नाम को दर्शाता है। इसके वंश में अधर्म, मिथ्या, दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, भय, मृत्यु और यातना जैसे योद्धा हैं। रावण और कंस बलशाली होते हुए भी इकाई थे, पर कली इनसे कई गुना ज्यादा बलशाली है। क्यों? क्योंकि यह अपनी माया द्वारा हर मनुष्य हर घर में घुस गया है। आज ये पृथ्वी संपूर्ण रूप से मेरे शिकंजे में है। पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की भांति रेंग रहे मनुष्यों को मैंने इस कदर भ्रमित कर दिया है कि वो जुआ, शराब, धन और नारी के खेल में लिप्त हो चुके हैं और ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं। पश्चिम में तो मेरा बोलबाला है ही, केवल ये इंडिया भारत वर्ष जहां मुझे जड़े जमाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन है यहां भी कुछ लोग जो मेरा काम आसान कर देंगे, आसान कर देंगे, आसान कर देंगे। वे भी इसके वंश के चंगुल में फंस धर्म की हानि करता है। यही धर्म की हानि इसे और शक्तिशाली बनाती है। मनुष्य के मन मस्तिष्क पर प्रहार करने के बाद इसने अपना डेरा चार वस्तुओं में जमाया, मद, जुआ, नारी और स्वर्ण। इस हद तक इसका जाल फैला कि दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, पर मदिरा की दुकान पर भीड़ जमी है। जुआ के रूप में कैसीनो, क्लब, लॉटरी, ताश के पत्ते घर घर में खेले जा रहे हैं। नारी जिस उम्र की हो, जिस प्रदेश की हो, कहीं सुरक्षित नहीं है। और स्वर्ण, स्वर्ण के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। इन सब का एक ही कारण है, कली कली कली। क्या हम कुछ कर सकते हैं? आज का मानव कुछ कर सकता है? अरे हम तो खुद असहाय हो भेड़ चाल में एक के पीछे एक गिरे जा रहे हैं। हमें बचाने वाला है वो जो हर युग में हमें बचाते आया है, जिसने हर युग में अपने भक्त की पुकार पे अवतार लिया है, जिसने हर युग के हर राक्षस को बल और युक्ति से धराशे किया है। वह विष्णु अब आ रहे हैं कली का नाश करने, आ रहे हैं कल्कि बन, आ रहे हैं कल्कि। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार है श्री कल्कि भगवान, जो कलयुग का नाश करने के लिए अवतरित होंगे। जैसे विष्णु के 7वें अवतार राम ने की रामलीला, 8वें अवतार कृष्ण ने की माखन लीला, और अब 10वें महा अवतार हमारे कल्कि भगवान कर रहे हैं अनुभव लीला। कल्कि महामंत्र
जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते का रोज 21 बार जाप करने से भक्तों को अपने आप ही स्वप्न जागृत वाणी या मानसिक अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। अनुभवों के माध्यम से हमारे प्रभु कल्कि भक्तों को आने वाली परेशानियों के बारे में, हमारे मंगलमय कार्यों की पूर्ति में बाधाओं के बारे में और जो हाइट ऑफ ग्लोरी हम प्राप्त कर सकते हैं उन सब का एहसास करा देते हैं। अनुभव आने पर सही संकल्प मंत्र जाप के द्वारा भक्त कल्कि जी की निरंतर दया से अपने कष्टों को सूली का काटा बना सकते हैं और दैनिक तौर पर ऐश्वर्यपूर्ण मंगलमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भगवान कल्कि विष्णु के संपूर्ण अवतार हैं। कलयुग परिवार की विभिन्न बुरी शक्तियां जैसे भय लोभ अहंकार ईर्ष्या डिप्रेशन इत्यादि से लड़ने के लिए वह 12 देवी देवताओं के सुरक्षा कवच के साथ आ रहे हैं। कल्कि जी की भक्ति करने से आपको सभी देवी देवताओं का स्पेशल आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हो तो उस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स और अन्य सरकारी कर्मचारियों का सहारा आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, उसी तरह है प्रभु श्री कल्कि की भक्ति। अगर आप किसी अन्य देवी देवता को भी पूछते हो तो उनकी पूजा करने के बाद अंत में बोले मैं कल्कि जी की हूँ। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में कलयुग के चौथे चरण के लक्षण जो बताए गए हैं वह इस समय धरती पर पूर्ण रूप से विराजमान है। कलयुग के चौथे चरण के लक्षणों के प्रतीत होते ही कल्कि अवतार होना निश्चित है। मामा जी, हमारे दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कल्कि जी का अवतार हो चुका है? हाँ, कल्कि जी का अवतार हो चुका है, केवल प्रकट होना शेष है। इसके लिए हम आपको कल्कि जी के बाल सखाओं द्वारा प्रस्तुत एक लघु नाटिका दिखा रहे हैं। अंग्रेज हमारे व्यापार दस्तकारियों और किसानों की सारी कमाई पर अधिकार करके आधा किलो लाल गेहूं राशन में दे ही रहे थे, जिसे वो समुद्र में फेंकते थे या जलाते थे। लेकिन जब जेल के कैदियों की तरह भारतीयों को कपड़ा भी नाप नाप कर देने की योजना वे शुरू करने जा रहे थे, तब हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाने वाले, रावण और कंस को मारने वाले, गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले महाविष्णु ने कल्कि अवतार लेने का उद्घोष करवाया और कल्कि नाम का उद्घोष करने के लिए चारों युगों में रहने वाले हनुमान जी के आवेशावतार गुरुवर बाल मुकुंद जी को अपनी रहस्यमय लीला का अनुभव देकर कलयुग की शेष आयु काटने के लिए कल्कि भगवान का पूजन और नामोच्चारण शुरू करवाया। भगवान श्री कल्कि का नामोच्चारण भारतवर्ष में शुरू हुआ। कल्कि भगवान अपने भक्तों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर सही की मोहर लगाते चले गए। दिनों दिन कल्कि भगवान के भक्त भी बढ़ते चले गए। कलि अपने युग में कल्कि भगवान की बढ़ती हुई महिमा को देखकर अपनी विकरालता को बढ़ाते हुए नित नए प्रहार भक्तों पर करने लगा। अपने भक्तों के विश्वास और भक्ति को दृढ़ करने के लिए कल्कि भगवान ने स्वप्न अनुभव उपचारों के साथ साथ दो कुंडीय श्री कल्कि सहस्त्र नाम यज्ञों का अमोघ अस्त्र भक्तों को प्रदान किया। भक्तों ने संकल्पित हवनों के द्वारा इधर भगवान से प्रकट होने की पुकार की और उधर अपनी परेशानियों से निकलने के रास्ते मांगे, तो उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी, जिसके फलस्वरूप आज दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, रायपुर,
संभल इत्यादि विभिन्न जगहों पर श्री कल्कि सहस्रनाम दो कुंडीय यज्ञों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। श्री कल्कि दो कुंडीय सहस्रनाम यज्ञ स्वयं कल्कि भगवान ने स्वप्न अनुभव द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए हैं। ॐ ह्रीं बहुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। कल्कि भगवते श्री पद्मापतये श्री रमापतये ॐ युगावताराय ॐ विष्णुमुखाय आज मुझे स्वप्न अनुभव में क्या दिखा? दो हवन कुंड, इसका क्या अर्थ हुआ? पहले हवन कुंड में तो कुछ अलग सा ही मंत्र था, यह तो माँ बगुला का बीज मंत्र है और दूसरे में कल्कि सहस्रनाम के मंत्र है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि स्वप्न अनुभव लीला के माध्यम से भगवान कल्कि ने मुझे पूरे कल्कि समाज को दो कुंडी हवन की विधि दी है। लेकिन माँ बगुला मुखी के मन से यज्ञ, बड़े बड़े विद्वान पंडित तो कहते हैं यह तो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि साधारण इंसान माँ बगुला के मंत्र के तेज को सहन ही नहीं कर सकता। मुझे किसी ज्ञानी और विद्वान पंडित से जाके पूछना पड़ेगा। पंडित जी, मैंने अपने अनुभव का पूर्ण वृतांत आपको सुनाया, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मान्यवर, माँ बगुला महाविष्णु की संहारिणी शक्ति हैं। इनके तेज से नारायण का सुदर्शन चक्र चलता है, लेकिन आप लोग भगवान श्री कल्कि के अवतरण की लीला के सहभागी हैं। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ। बहुत बड़ा काम नारायण श्री कल्कि आपसे ले रहे हैं। कलयुग की काली शक्तियों के मारक प्रहार से बचने के लिए आपको अपनी संहारिणी शक्ति का सुरक्षा कवच प्राप्त करने का रास्ता दिया है। आपको जैसा स्वप्न अनुभव में दिखाया गया है वैसे हवन करना आरंभ कीजिए। निस्संदेह कल्कि समाज की सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। विश्वास बढ़ाने के लिए कल्कि भगवान ने स्पष्ट अपने भक्तों को दिखाया कि हवन करने से क्या मिलता है। स्वाहा 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 स्वाहा। जब कोई भक्त हवन करता है तो उसके यज्ञ की और उसकी सुरक्षा के लिए देवी शक्तियां सुरक्षा कमांडोस खड़े कर देती हैं, ताकि राक्षसी शक्तियां उनके यज्ञ को नष्ट ना कर सके और पुण्यों का भक्षण ना कर सके। देवी शक्तियां हवन प्राप्त कर संतुष्ट होती हैं एवं खुले दिल से आशीर्वाद देती हैं। परिणाम स्वरूप शीघ्रता से भक्तों के पुण्यों का बैलेंस बढ़ने लगता है और जन जन के पापों का विमोचन होने लगता है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगवान श्री कल्कि की 255 से अधिक मूर्ति स्थापनाएं आज पूरे भारतवर्ष में शक्ति पीठों, सिद्ध पीठों, ज्योतिर्लिंगों, धामों में लग रही हैं और उनकी विधिवत पूजा भी हो रही है। यह दूसरा अमोघ अस्त्र श्री कल्कि भगवान ने अपने भक्तों को प्रदान किया। एक स्वप्न अनुभव के अनुसार प्रभु श्री कल्कि ने बताया कि भगवान श्री कल्कि की मूर्ति स्थापनाएं
कलयुग के डेरों पर विजय पताका है। इसी कड़ी में कल्कि भगवान जगन्नाथ पुरी धाम में दिनांक 26 जनवरी 2023 को विराज। हमारे चारों धाम चारों युगों के साक्षी हैं। बद्रीनाथ धाम सतयुग का, रामेश्वरम धाम त्रेता युग का, द्वारिकापुरी द्वापर का और जगन्नाथपुरी कलयुग का। 26 जनवरी 2023 को भगवान श्री कल्कि जगन्नाथपुरी धाम में दूधवाला धर्मशाला में विराजे। 140 कल्कि भक्तों के साथ 5 श्री कल्कि सहस्रनाम यज्ञों के संकल्प भी यहां पूरे किए गए। जगन्नाथपुरी की मूर्ति स्थापना में कई चमत्कारी और रोमांचकारी तथ्य सामने आए। कल्कि जी की मूर्ति ने जब पुरी की धरती को छुआ तो दूधवाला धर्मशाला के मालिक श्री राजेश नथानी को स्वप्न अनुभव में चैतन्य महाप्रभु अंदर आते हुए दिखाई दिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अपने जीवन के अंतिम 24 वर्ष उन्होंने पुरी में व्यतीत किए। वह जगन्नाथ जी की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर घंटों हरि नाम संकीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा में विदित है कि एक बार जब वह रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ जी के रथ पर आसीन थे तब वह उन्हीं में समा गए। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। 64 योगिनी मंदिर में पुजारी जी ने बताया कि उड़ीसा में सनातनी संत और विद्वत समाज की को प्रतीक्षा है। उनके ग्रंथों में यह लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने भाई बलभद्र जी को, जो काले घोड़े पर सवार होंगे, को साथ लेकर जागृत होंगे। यहाँ महामाया की शक्ति को धारण करेंगे और 64 योगिनियों की सेना को लेकर कलयुग से युद्ध कर उसका संहार करके सतयुग की स्थापना करेंगे। जगन्नाथ मंदिर के पट तब बंद हो जाएंगे। सूर्य भगवान के मंदिर कोणार्क मंदिर के परिसर में स्थित नवग्रह मंदिर के हवन कुंडों में यज्ञ के साथ द्वापर कालीन अवधूत मठ में मुख्य द्वार पर कल्कि जी एवं बलभद्र जी की घोड़े पर सवार प्रतिमाएं पुजारी जी द्वारा बताए सत्य को प्रमाणित कर रही थी। अवधूत मठ के पुजारी भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे कल्कि समाज इस गुप्त मंदिर तक पहुंचा। कल्कि जी और बलभद्र जी की हूबहू ऐसी ही प्रतिमाएं जगन्नाथपुरी मंदिर के दक्षिण द्वार पर भी स्थित हैं। भगवान श्री कल्कि का जगन्नाथपुरी में विराजना उनकी अलौकिक लीला है। कल्कि समाज को इसका साक्षी बनाकर प्रभु ने सभी कल्कि भक्तों का जीवन धन्य कर दिया। पद्मनाथ जब सिंहासन पर विराजे, दिल्ली में स्थित कल्कि विष्णु मंदिर रामकृष्ण परमहंस के अवतार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी द्वारा बनाया गया कल्कि नाम से उपजी अनंत नई कोपनों को संजोई अपने देवता की प्रतीक्षा में खड़ा सतयुग तक बना रहने वाला अनुभव गम्य मंदिर है। उधर संभल में रानी अहिल्याबाई द्वारा श्री कल्कि विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने स्वप्न अनुभव में मिले निर्देश के अनुसार किया। यहां पूरे भारत वर्ष से कल्कि भक्त प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कल्कि का जन्मोत्सव मनाने श्रावण शुक्ला षष्ठी को पहुंचते हैं। औरंगजेब के सिपाह सलाहकार आपा गंगाधर लाल किले के सामने यमुना नदी के आर पार बसे शहरों में प्राचीन गौरी शंकर मंदिर का स्थान उन्होंने औरंगजेब से प्राप्त किया। लगभग 400 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर में 11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री कल्कि जब विराजे तो मंदिर के अंदर और बाहर का नजारा ही बदल गया। इसी तरह औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ वायदा खिलाफी के बाद जयसिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर जयपुर की नींव रखी। उन्होंने यहां गणेशगढ़ी गोविंद जी और कल्कि महाराज के मंदिर बनवाए। वह सुबह उठते ही पहले तीनों मंदिरों की बुर्जियों का कक्ष से दर्शन करते थे और जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते महामंत्र का जाप करते थे। मंदिर में स्थित भगवान श्री कल्कि के अश्व के
दाएं पैर का घाव जो स्वतः ही भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब यह गड्ढा भर जाएगा तब भगवान श्री कल्कि प्रकट होंगे। 20 जून 2011 को दिल्ली के नॉट प्लेस स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में और दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज के परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में एक ही दिन एक ही नक्षत्र में भगवान श्री कल्कि की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम, जहां हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान कहकर पुकारा जाता है, यहां भक्त असाध्य रोगों जैसे कैंसर, टीवी जैसी लाइलाज बीमारियों की अर्जी लेकर आते हैं। यहां कल्कि भगवान 10 अप्रैल 2016 को विराजे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर को हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी में भगवान श्री कल्कि के विराजते ही ऐसा कायाकल्प हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। अब तक अयोध्या में नागेश्वर महादेव मंदिर, मानस भवन मंदिर, नंदीग्राम भरत हनुमान मिलन मंदिर और दशरथ गद्दी में भगवान श्री कल्कि विराज चुके हैं। ज्योतिषर तीर्थ कुरुक्षेत्र में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे, ठीक उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने तेजोमय आकार में मामा जी को प्रेरणा दी और वहां के पुजारी जी के कहने पर गाड़ी में रखी कल्कि जी की मूर्ति को वहां रखा गया। इस संयोग के मात्र 4 हफ्ते में ही ज्योतिषर तीर्थ व कुबेर मंदिर में एक साथ भगवान श्री कल्कि की मूर्ति स्थापना धूमधाम और भव्य रूप में संपन्न हुई। श्री बैजनाथ धाम देवघर में भगवान श्री कल्कि की मूर्ति स्वप्न अनुभव और महाशक्तियों के अद्भुत तालमेल से संभव हुई। मई 2013 में दिखाए स्वप्न अनुभव के अनुसार 141 भाग्यवान भक्त समूह को बुलाकर भगवान शंकर ने कल्कि जी को कृष्ण भगवान के बराबर विराजमान किया। मां ललिता मंदिर नैमिषारण्य में सीतापुर कोर्ट से मिली अनुमति के बाद भगवान श्री कल्कि की मूर्ति सरकारी देखरेख में यहां विराजी। यहां इस शक्ति पीठ में मां सती का कटी भाग गिरा था। दिल्ली स्थित मां कालका के प्राचीनतम सिद्ध पीठ में जब प्रभु श्री कल्कि विराजे तो स्थापना वाले दिन उत्पन्न तेज से मां काली के श्री विग्रह ने अपना चोला छोड़ दिया था। महाभारत काल के 5 जीवित मंदिरों में से एक मां योगमाया के मंदिर में स्थापित भगवान श्री कल्कि की दिव्य मूर्ति को किसी भी कोने से या सामने से देखने पर मूर्ति के चेहरे पर हंसी साफ दिखाई देती है। मां विंध्यवासिनी शक्ति पीठ, जहां मां सती का अंगूठा गिरा था, इसी पवित्र स्थान पर मां गंगा और विंध्य पर्वत का संगम होता है। यह शक्ति पीठ समस्त 52 शक्ति पीठों के पावर हाउस का कार्य करता है। यहां 12 मई 2013 को सुशी इंदु बंसल ने 1.25 लाख ज्योत प्रज्वलित करके भगवान श्री कल्कि के 1.25 लाख भक्तों की सेना को तैयार करने का आह्वान किया और 13 मई 2013 को भगवान श्री कल्कि की मूर्ति स्थापना यहां धूमधाम से संपन्न हुई। 27 एकड़ में फैले अग्रोहा नगरी को बसाने वाले महाराजा अग्रसेन के धाम अग्रोहा में भगवान श्री कल्कि की मूर्ति जब वहां की धरती को छुआ तो स्वयं अग्रवालों की कुलदेवी महालक्ष्मी ने वहां कार्यरत श्री विमल रातुसरिया को अनुभव देकर कहा कि मेरे नाखून में फंसे सूखे आटे के मैल को निकाल दो, इससे मुझे सुकून मिलेगा। अब मेरे स्वामी महाविष्णु के अवतार श्री कल्कि आ गए हैं। 2013 में भगवान श्री कल्कि दल बल सहित अग्रोहा धाम में विराजे। पश्चिम बंगाल में स्थित माँ तारापीठ मंदिर में माँ के नेत्रांश गिरे थे। इस शक्ति पीठ में भगवान श्री कल्कि की स्थापना के दिन यज्ञ की अग्नि में प्रभु साक्षात प्रकट हुए और दर्पण दिखाने पर प्रभु कल्कि की शक्ति से दर्पण चकनाचूर हो गया। 18वीं शताब्दी में माँ दुर्गा काशी वाराणसी स्थित कूष्मांडा में साक्षात प्रकट हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री कल्कि की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। माँ रानी सती मंदिर काकुड़गाची कोलकाता में 1837 में बना, झुंझुनू के बाद दादी का यह मंदिर सबसे पुराना और विशाल है।
स्वयं मंदिर के ट्रस्टी को यह स्वप्न अनुभव हुआ कि भगवान शंकर और नारायण संघ में विराज रहे हैं। माँ बगलामुखी शक्तिपीठ दतिया में स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर में भगवान श्री कल्कि और दैवीय शक्तियों के समन्वय से भगवान श्री कल्कि का श्री विग्रह यहाँ विराजमान हुआ। द्वारकाधीश धाम में स्थित गोमती माता मंदिर में भगवान श्री कल्कि अकाल मृत्यु हरणम के रूप में विराजे। 182 कल्कि भक्तों के समूह ने हवाई यात्रा के द्वारा इस मूर्ति स्थापना में भाग लिया। 2 कुंडीय सहस्त्रनाम यज्ञ के उपरांत रात्रि 11 बजे मंदिर का कांच का प्रवेश द्वार स्वतः ही चटक गया। भारत के विभिन्न भागों में निरंतर भगवान श्री कल्कि की मूर्तियों का स्थापित होना प्रमाणित कर रहा है कि भगवान श्री कल्कि की शक्ति का बल पूरे विश्व में फैल रहा है। भगवान श्री कल्कि एक ऐसे अवतार है जिन्होंने प्रकट होने से पहले ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हैं। कल्कि जी जल्द से जल्द प्रकट हों, इसके लिए मामा जी द्वारा यानी श्री ओपी गुप्ता जी द्वारा साल 1989 में संस्था श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन की नींव रखी गई। तब से लेकर ये संस्था पौधे से पेड़ का रूप धारण करती हुई देश भर में 78 शाखाओं के रूप में फैल चुकी है, जिसमें से राजधानी दिल्ली में ही केवल 26 शाखाएं हैं। खान द्वारा खेल खेल में 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को कल्कि जी के बारे में बताया जाता है एवं उनमें संस्कार रोपण का कार्य किया जाता है। उन्हें मंत्र जाप, हवन, पूजन, यज्ञ ये सब सिखाया जाता है और इसमें मामा जी की मदद करते हैं कई संचालक और संचालिकाएं। क्यों है कल्कि भगवान की आवश्यकता? पाप बढ़ गया है धरती पर, हर युग की तरह भूमि का भार उतारने के लिए कल्कि भगवान को आना ही होगा। भूमि का उतारो भार नाथ, पृथ्वी का उतारो भार। भूमि का उतारो भार नाथ, पृथ्वी का उतारो भार। सुर नर मुनि प्राणाधार नाथ, भूमि का उतारो भार। सुर नर मुनि प्राणाधार नाथ, भूमि का उतारो भार। किसकी रक्षा के लिए आ रहे हैं भगवान कल्कि? पृथ्वी पर्यंत की गौओं की रक्षा के लिए आ रहे हैं भगवान कल्कि। भगवान श्री कल्कि के महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते का कम से कम 21 बार नियमित जाप करें और प्रार्थना करें। हे श्री कल्कि भगवान महाराज, गौ, विप्र, धर्म, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। कलयुग का नाश करके सत्युग की स्थापना कर दीजिए। हम सुखी भाव से वैभवता पूर्वक आपका कार्य करना चाहते हैं। नारायण श्री हरि कल्कि पृथ्वी पर्यंत की गौओं की रक्षा के लिए अवतार ले चुके हैं। यह संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना होगा कि श्री कल्कि की पुकार ही एक रास्ता है गाय माता, देश और धर्म को बचाने का। जय श्री कल्कि। क्यों आएंगे भगवान कल्कि? विप्र और सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आएंगे कल्कि। किसकी रक्षा के लिए आएंगे कल्कि? धर्म की रक्षा के लिए आएंगे कल्कि।
दिया वचन निभाने समय के हर सीमा को तोड़ आ रहा। देवदत्त नामक अग्नि अश्व पर आरोहित हाथ में रत्न स्वरूप पड़ग लिए सत्य और न्याय की स्थापना करने गौ ब्राह्मण और सदाचारियों की रक्षा करने आ रहा हूं मैं कल्कि पर। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। यह कहकर शहीद हो गया। यह कहकर शहीद हो गया। वीर हकीकत राय मेरा हिंदू धर्म ना जाए। राणा प्रतापी देश के खातिर राणा प्रतापी देश के खातिर राणा प्रतापी भात की रोटी खाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। खातिर वीर शिवाजी देश की खातिर वीर शिवाजी देश की खातिर वीर शिवाजी मुगलों के छक्के छुड़ाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। खातिर रानी जाते देश की खातिर रानी जाते देश की खातिर रानी जाते देश की खातिर रानी जाते तिरंगी मार बगाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। खातिर बंदा बैरागी देश की खातिर बंदा बैरागी देश के खातिर बंदा बैरागी देश की खातिर बंदा बैरागी तिल तिल तन कटवाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। सर जाए तो जाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए।
पिता त्रिलंका में अंगद, धर्म की खातिर लंका में अंगद, अपना पैर जमाए मेरा हिंदू धर्म ना जाए। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। यह कह करके भगत सिंह ने, यह कह करके भगत सिंह ने, मारा बम का गोला मेरा रंग दे बसंती चोला, नाम से कलयुगियन का, कल की नाम से कलयुगियन का, सारा शासन डोला मेरा रंग दे बसंती चोला, भगवान श्री कल्की की अवतरण लीला के विस्तार का अत्यंत शक्तिशाली प्रमाण यह है कि मेरे देश का हिंदू जाग रहा है। कल्की जी की सेना चल पड़ी है भगवान श्री कल्की को प्रकट करने के लिए। जय श्री कल्की, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की। कली के विनाश को, कली के संहार को, कली के विनाश को, कली के संहार को, कली